शक्ति सिंह गोहिल जी, तेजस्वी यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मदन मोहन झा जी, सदानंद सिंह जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, असुतल इस्लाम जी, हमारे कैंडिडेट अशोक राम जी, बद्रा पूर्वी जी, अलायंस के कैंडिडेट बद्री पूर्वी जी, स्टेज पे हमारे सीनियर नेता और बिहार की जनता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इस गर्मी में आप आए तेजस्वी जी, कुशवाहा जी, मेरी बात सुनने, दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और शुरुआत में ही आप सबसे, कुशवाहा जी, तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगना चाहता हूं। हवाई जहाज में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था तो वापस दिल्ली जाना पड़ा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, आपको कष्ट हुआ तो माफी मांगना चाहता हूं। धन्यवाद। की हालचाल छे, ठीक हो? नरेंद्र मोदी जी ने आपको बहुत लूटा, दवा दवा के लूटा, ₹5,55,000 करोड़। आप सोचिए, 5,55,000 करोड़ 15 लोगों को दिया। बिहार को अलग अलग वायदे किए, स्पेशल स्टेटस, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, कुछ नहीं, सब झूठा है, कुछ नहीं, सब झूठा है, नरेंद्र मोदी ने लूटा है। अब देखिए, 5,00,000 करोड़, 5,50,000 करोड़ उसने आपसे लिया, 15 लोगों को दिया। नाम आप जानते हो, अनिल, नीरव, मेहुल, विजय, नाम जानते हो। इन चोरों को चौकीदार ने आपका पैसा दिया है, ₹5,00,000,000। अब 5 महीने पहले मैंने सोचा ये नरेंद्र मोदी जी ने, कहते हैं कि इन्होंने लाखों बैंक अकाउंट खोले हैं, कहते हैं, हर भाषण में कहते हैं बैंक अकाउंट खोले। मैंने सोचा क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उन्हीं बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा डाले। बैंक अकाउंट का क्या फायदा अगर उसमें पैसा ही नहीं है। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे कहा, देखिए मुझे एक नंबर चाहिए। कौन सा नंबर? मैं वो जानना चाहता हूं, वो नंबर चाहता हूं जितने रुपए मैं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालूं। उन्होंने मुझसे कहा, राहुल जी आप जानते हैं हिंदुस्तान में कितने गरीब लोग हैं? मैंने कहा, हां जानता हूं, 25 करोड़ गरीब लोग हैं। चौकीदार ने 15 लोगों के बैंक अकाउंट में 5,55,000 करोड़ डाला, मैं ₹5,00,000,000 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूं। सुनिए, 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, ₹5,00,000,000 मैं 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूं। अब आप, उनसे मैंने कहा, आप एक काम कीजिए, आपके पास 4-5 महीने हैं, आप स्टडी करवा लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट के पास चले जाइए, जहां आपको जाना जाइए, मगर जब आप वापस आएंगे मुझे भाषण मत देना, मुझे थियोरी मत बताना, किताब नहीं देना, मुझे नंबर चाहिए। नंबर के बिना आप वापस मत आना मेरे ऑफिस में। कुछ ही दिन पहले आते हैं, कागज पे लिख दिया नंबर, ₹72,000। मैंने पूछा, ₹72,000 कितने टाइम में, कितने लोगों को?
कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए साल के 25 करोड़ लोगों को 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए। और आप जानते हो कौन से प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? भाइयों और बहनों, सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होने वाला है, डायरेक्ट सीधा। आजकल इंटरनेट का टाइम है, हर महीने 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पहली तारीख 6,000 रुपए, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर तक 6,000 रुपए साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। चौकीदार ने आपको 15 लाख का झूठ बोला था, 15 लाख का झूठ बोला था, मैंने सच्चाई निकाली। 15 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर 15 लाख रुपए दे दिया बिहार की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मगर भाइयों और बहनों 3,60,000 रुपए दिए जा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी जी, कुशवाहा जी, माझी जी सब मिलकर आपके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए डाल के ही दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। इस चौकीदार ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को पैसा दिया, उतना ही पैसा मैं उठाकर सीधे आपके बैंक अकाउंट में डालने जा रहा हूं। अच्छा, नारा सुनना है तो सुन लीजिए। तेजस्वी जी ने नारे लगाए, बड़े सुंदर नारे लगाए, मैं भी एक लगाता हूं। पहले चलता था नारा अच्छे दिन लोग कहते थे आएंगे, 2-3 महीने चला, 2014 के चुनाव के बाद लोग कहने लगे भाई ये कहां फंस गए, क्या हो गया ये। 2 साल के अंदर नया नारा चला, सुनिए, चौकीदार। नहीं भैया मजा नहीं आया, ये बिहार है भैया, सुनाई देना चाहिए, चौकीदार। हाँ, चौकीदार। ये तो ये चौकीदार ने आपका पैसा उनको दिया, मैं उनके जेब में से पैसा निकालकर, हम सब उनके जेब में से पैसा निकालकर आपकी जेब में डालेंगे। मिडिल क्लास के लोगों को कहता है नरेंद्र मोदी, कहते हैं भाइयों और बहनों कांग्रेस पार्टी न्याय योजना देने जा रही है, 72,000 रुपए साल के 5 करोड़ लोगों को देने जा रही है, पैसा मिडिल क्लास से आएगा। मैं बिहार के सब मिडिल क्लास के लोगों से कहना चाहता हूं, मध्यम वर्ग से लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए मैं आपको स्टेज से गारंटी करता हूं, एक पैसा आपके जेब में से नहीं आएगा, पूरा का पूरा पैसा उस अनिल अंबानी जैसे चोरों के जेब से आएगा और गरीबों के जेब में जाएगा। अब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स, और उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए निकालकर अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के बैंक अकाउंट में। जैसे ही उन्होंने बिहार की जनता के जेब से पैसा निकाला, माताओं बहनों के घर से पैसा निकाला, वैसे ही बिहार के लोगों ने माल खरीदना बंद किया। पहले आप शर्ट पैंट जूता टी शर्ट टोपी साबुन खरीदते थे, जेब में पैसा नहीं था, आपने खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने खरीदना बंद किया, फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया। जैसे ही फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, वैसे ही फैक्ट्रियों के मालिकों ने बिहार के युवाओं से कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब घर जा सकते हो। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, अब जाओ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का समय है, अब घर जाओ, तुम्हारे लिए यहां पे काम नहीं। अब न्याय योजना आपके जेब में जैसे ही पैसा डालेगी, बैंक में जैसे ही पैसा जाएगा, जादू शुरू हो जाएगा, बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता माल खरीदना शुरू करेगी, कोई शर्ट कोई पैंट कोई मोबाइल फोन कोई काला चश्मा
जो भी आप खरीदोगे, जैसे ही आप खरीदोगे दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी, जैसे ही दुकान में माल आएगा, माल बिकना शुरू होगा, वैसे ही फैक्ट्री माल बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही फैक्ट्री माल बनाना शुरू करेंगे वैसे ही बिहार के युवाओं को, उन्हीं फैक्ट्रियों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। यह है न्याय योजना का जादू। लाखों युवाओं को न्याय योजना रोजगार देगी, मगर हम वहां नहीं रुकने वाले। चौकीदार ने आपका इतना नुकसान किया, हम वहां नहीं रुकेंगे। मैंने पता लगाया कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार में कितनी नौकरियां खाली हैं। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। चौकीदार धड़ाधड़ अनिल अंबानी को पैसा देता है और पता लगा कि 22 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली हैं। 27,000 लोग 24 घंटे में रोजगार खोते हैं और 22 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली हैं। मैं स्टेज से आपको कह देता हूं, एक साल के अंदर बेटा तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है आपका? नहीं, जो आपके साइड में लाल शर्ट पहना है, अरे भाई लाल शर्ट, लाल नीली शर्ट वाला, हाँ उसका नाम क्या है? राजकुमार, राहुल। ये देखो राहुल जी, आप आइए स्टेज पे आइए। राहुल जैसे युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं। आइए आइए। अब नरेंद्र मोदी जी ने इनका भविष्य छीना, चौकीदार ने इनको नुकसान पहुंचाया। अब हम चाहते हैं कि 22 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के युवाओं को दी जाए। मैं आपको गारंटी करता हूं एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियां आपके हवाले में कर दूंगा। और वहां नहीं रुकेंगे, 10 लाख पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। एक मिनट में राहुल से नमस्ते कर लेता हूं। पहले तो बिहार के युवाओं को, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवाया जाएगा। हम मैनिफेस्टो बना रहे थे, किसानों के पास गए, बिहार के किसानों के पास गए और हमने उनसे पूछा, भैया आप एक बात बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं, टाइम नहीं जाया करना चाहते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब में हमने आपका कर्जा माफ किया, यहां बिहार में नीतीश जी ने, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, हम आपके लिए ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं, बताइए क्या करा जा सकता है। बिहार के किसानों ने हमें एक सवाल पूछा, हमसे पूछा, भैया एक बात बताइए, अखबार में हम पढ़ते हैं नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, वो सब जेल के बाहर है, कोई लंदन में घूम रहा है, कोई हवाई जहाज में उड़ रहा है। भैया बताओ, विजय माल्या बाहर या अंदर? बाहर या अंदर? नीरव मोदी बाहर या अंदर? मेहुल चौकसी बाहर या अंदर? ललित मोदी बाहर या अंदर? ठीक है, सबके सब बाहर। अब बिहार का किसान अगर 20,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता है, तो वो जेल के बाहर होता है या अंदर? अंदर होता है या बाहर? अंदर। विजय माल्या बाहर, बिहार का किसान अंदर। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो? ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो कि चोर जेल के बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, और ईमानदार किसान जेल के अंदर 20,000 रुपए ना लौटाने के लिए? तो हमने साफ कर दिया, मैनिफेस्टो में लिख दिया, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, बिहार का कोई भी किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई भी हो, कर्जा ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जा सकेगा।
मोदी जी करिए जो करना है आपको, उन चोरों की आपको मदद करनी है आप करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो स्टेज पे खड़े हैं, हम किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, बेरोजगार युवाओं के हैं, हम उनकी मदद करेंगे। जितनी मदद आप उन 15 की करोगे उससे दुगनी मदद हम इनकी करेंगे। आप उनको 35,000 करोड़ रुपए दो, किसी को 10,000 करोड़ रुपए दो, हम इनको न्याय योजना देंगे। 5 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट में हर महीने याद दिलाने, मैसेज देने कि इस देश की सरकार गरीबों की सरकार है, कमजोरों की सरकार है, किसानों की मजदूरों की सरकार है और इस देश में गरीबी को मिटाने वाली सरकार है। जहां जाते हैं मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, आजकल कुछ बचा नहीं, कहने को कुछ बचा नहीं। अच्छा आपने देखा है उनके स्टेज के साइड पे देखना, दो आईने लगे हुए हैं, टेलीप्रॉम्प्टर है। तेजस्वी जी आपने देखा ना, टेलीप्रॉम्प्टर लगता है, मोदी जी पढ़ पढ़ के कहते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है, मोदी जी रोजगार पे मत बोल देना, युवा मारेंगे, मोदी जी किसानों पे मत बोल देना गलती से भी, देश के किसान बहुत गुस्सा है, पीटेंगे आपको, मोदी जी 15 लाख की बात मत करना, गलती से भी मत कर देना। वो न्याय योजना दे दी कांग्रेस पार्टी ने, वो 3,60,000 रुपए दे दिए उन्होंने, काम शुरू है। कि आप ना न्याय के बारे में बोलना, ना बेरोजगारी के बारे में बोलना, किसानों के बारे में मत बोलना मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोलना, बस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोलिए। अच्छा मैं आपको बताता हूं सर्जिकल स्ट्राइक, न्याय योजना 72,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट के अंदर, यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। एक झटका मारेंगे और हमेशा के लिए गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल गरीबों पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, किसानों पे, मजदूरों पे, छोटे दुकानदारों पे सर्जिकल स्ट्राइक किया। अगले 5 साल में गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक होगी और हर महीने धड़ाधड़ पैसा आएगा। किसानों के लिए स्पेशल बजट, किसानों आप सोचिए, किसानों के लिए स्पेशल बजट पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इतिहास में। आमतौर से एक बजट बनता है, पूरा देश एक बजट सुनता है, पूरे देश को बताया जाता है कि सरकार आपके लिए इस साल इतना पैसा डालेगी। 2019 में 2 बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट, और भाइयों और बहनों नेशनल बजट से पहले, नेशनल बजट के बाद नहीं, नेशनल बजट के पहले हिंदुस्तान के किसानों का एक अलग बजट बनेगा। उनको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान की सरकार इस साल आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई गई, इतना आपका कर्जा माफ होगा, इतने आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी, इतने आपकी स्टोरेज फैसिलिटी लगेगी, इतना आपका कॉम्पनसेशन होगा, पूरा का पूरा साल की शुरुआत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान के किसान को शुरुआत में ही हम बता देंगे ये होगा आपके लिए। और भाइयों और बहनों जो बजट में जाता है, एक बार बजट में लिख दिया जाता है तो वो पैसा हिंदुस्तान के किसानों को देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि भैया हमने बजट में लिखा मगर हमने पैसा नहीं दिया। हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं को नरेंद्र मोदी ने चोट पहुंचाई। अब सुनिए मजे की बात, सुनिए रोजगार की बात, सुनिए मजेदार बात आपको बताऊंगा, हिल जाएंगे आप सब लोग हिल जाओगे। यहां पे नीतीश जी की सरकार है, कोई भी युवा बिजनेस चालू करना चाहता है डायरेक्ट उसको सरकारी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। कोई भी बिजनेस चालू करना हो, किसी भी चीज का, मोबाइल फोन का, कुछ भी आप बेचना चाहो, परमिशन की जरूरत। पहले आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, एक डिपार्टमेंट में जाओ, उनसे पूछो भैया हमें परमिशन चाहिए, बिजनेस चालू करना है, परमिशन दीजिए। पहला डिपार्टमेंट परमिशन देगा। नीतीश जी की सरकार में आप से कहेंगे हाँ हाँ
परमिशन तो ठीक है, पहले रिश्वत दो, थोड़ा सा पैसा आप एक डिपार्टमेंट को दोगे, देखो सिर हिला रहे हैं, पैसा दोगे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे, कहोगे भैया उस डिपार्टमेंट में हमने परमिशन ली, पैसा दिया, रिश्वत दी, अब इसमें परमिशन लेंगे, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 डिपार्टमेंट से परमिशन लो, हर डिपार्टमेंट में थोड़ी सी रिश्वत दो, 6-7 महीने लगेंगे, पता लगता है बिजनेस चालू करना था, पूरा का पूरा पैसा सरकार के डिपार्टमेंट्स में हवाले कर दिया। हमने मैनिफेस्टो में बिहार के युवाओं के लिए एक लाइन लिखी है, बिहार का कोई भी युवा, हिंदुस्तान का कोई भी युवा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है, धंधा शुरू करना चाहता है, ऐतिहासिक बात है, सुनिए आप, सुनिए आपको फायदा होगा इससे, अगर कोई भी बिहार का युवा धंधा चालू करना चाहता है, बिजनेस चालू करना चाहता है, उसे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, खत्म कहानी, आप अपना बिजनेस चालू करो। मैं आपसे पूछता हूं, उस चोर नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया? 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, एक युवा को रोजगार नहीं दिया। बिहार के युवा बिजनेस शुरू करेंगे और जो भी रोजगार पैदा करेगा, जो भी बिहार का युवा रोजगार पैदा करेगा, उसको बैंक का पैसा कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट उसको बैंक लोन दिलवाएगी। और मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए, ये नीरव मोदी जो है ना, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, इनका पूरा का पूरा पैसा छीन के, मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा का पूरा पैसा छीन के ना बिहार के युवाओं के बैंक अकाउंट पे मैं डाल रहा हूं। और सिर्फ मैं नहीं, तेजस्वी जी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं, माझी जी भी है, पूरी टीम है, मिलके लड़ रहे हैं हम। और मोदी जी एक बात समझिए, जो आप अपमान लालू जी का कर रहे हैं, जो आप चोट सिर्फ लालू जी को नहीं, लालू जी के परिवार को, तेजस्वी को, बिहार की जनता को और आप हम सबको चोट पहुंचा रहे हो, आप गलतफहमी में मत रहो, बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, और बिहार की जनता आपको 2019 के चुनाव में जवाब देने जा रही है। ये कर्पूरी ठाकुर जी की जमीन है, ये गरीबों की, कमजोर लोगों की, पिछड़े लोगों की जमीन है। मोदी जी आप सोचते हो कि आप लोगों को दबा सकते हो? आप सोचते हो कि आप बिहार की आवाज को दबा सकते हो? बिहार की आवाज को दबाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, हिस्ट्री में पैदा नहीं हुआ है, आप कौन हो? और बिहार की जनता, बाकी स्टेट्स को छोड़ो, पहले नंबर पे बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को मैसेज देने वाली है कि मोदी जी आप बिहार की आवाज को कुचल नहीं सकते, आप बिहार की आवाज को दबा नहीं सकते, आपने जो हमसे झूठ बोला, आपने जो बिहार के युवाओं को झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ, बिहार के किसानों को जो आपने झूठ बोला, सही दाम देने वाला झूठ, और बिहार की माताओं बहनों को जो आपने झूठ बोला, 15 लाख रुपए का झूठ, ये हम भूले नहीं हैं, बिहार भूलता नहीं है, और आपको हम मैसेज देने जा रहे हैं। मोदी जी घबराइए मत, बिहार आपको मैसेज देगा। तो मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सब कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कुशवाहा जी, माझी जी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, गठबंधन के सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, देखिए हम सब एक हैं, मिलकर लड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, 40 की 40, एक सीट नहीं छोड़नी है बिहार में, जहां जहां आरजेडी लड़ रही है वहां कुशवाहा जी, कांग्रेस पार्टी, महाजी जी के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता एक होकर लड़ेंगे, जहां कांग्रेस लड़ रही है वहां आरजेडी, कुशवाहा जी, महाजी जी, कांग्रेस एक होकर लड़ेंगे, जहां माझी जी लड़ रहे हैं हम वहां भी वही करेंगे, हम एक साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई
गरीबों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को बचाने की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये जो हमारी सब संस्थाएं हैं इनको बचाने की लड़ाई है। तो आप सब एक साथ खड़े हो जाइए, एक साथ लड़िए और हमारी जीत होगी। और मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, जैसे ही हमारी जीत होगी न्याय योजना शुरू हो जाएगी, किसानों का काम शुरू हो जाएगा, युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। आप अच्छा, आखिरी बात, तेजस्वी जी ने नारे से खत्म किया, मैं भी नारे से खत्म करता हूं, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। और एक बार फिर आप सबको, आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं, डिले हो गया, बहुत गर्मी का समय है, आपको कष्ट हुआ, आपको ठहरना पड़ा, तेजस्वी जी को, कुशवाहा जी को ठहरना पड़ा, तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे अखिलेश सिंह जी। हिंदुस्तान के भविष्य, आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष